पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप महामुकाबले में आया ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का तूफान पाकिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया की पारी शुरुआत में लड़खड़ा गई, लेकिन इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज पहले किले में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू हुआ, जहाँ पर सिक्का उछाला बाबर आजम ने, लेकिन गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला, जहाँ ईशान किशन को भी टीम इंडिया में जगह मिली, तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। दोनों टीमें अपने नेशनल एंथम के बाद इस मुकाबले की शुरुआत के लिए मैदान पर पूरी तरह से तैयार हुई, जहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा तो उनके साथ थे शुभमन गिल। पहले ओवर में टीम इंडिया की शुरुआत काफी शानदार रही, जब पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित ने साइन अफरीदी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि यहां पर वो कैच आउट भी हो सकते थे, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। इसके बाद रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को काफी शानदार तरीके से चार रनों के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर मैच में बारिश शुरू हो गई। बारिश के समय तक भारतीय टीम ने 4.2 ओवर में 15 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित और गिल फिर से शुरुआत करने उतरे, लेकिन इस बार टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट गंवाया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 22 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही नसीम शाह के छठे ओवर की पांचवीं गेंद पर एक बेहतरीन कवर की तरफ शानदार चौका लगाया और इस कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने अपना सिग्नेचर शॉट खेला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर साइन अफरीदी ने विराट कोहली को भी चलता किया। विराट कोहली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप पर जा लगी और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा, और यह करारा झटका था। विराट कोहली इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सरेश अय्यर आए तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आठवें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से फ्लिक शॉट के जरिए एक और शानदार चौका देखने को मिला मिडॉन की तरफ। इसके बाद दसवें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपना पहला चौका लगाया। काफी देर से संघर्ष कर रहे थे शुभमन गिल, लेकिन यहां पर वो चौका लगाने में कामयाब हुए हारिस रॉप की गेंद पर फाइन लेग की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर दसवें ओवर की पांचवीं गेंद पर टीम इंडिया को तीसरा झटका सरेश अय्यर के रूप में लगा। सरेश अय्यर शॉर्ट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेल चुके थे, लेकिन फकर जमान बीच में आ गए और उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और वह 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल और उनके साथ अब ईशान किशन को टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू करना था, लेकिन एक बार फिर यहां पर बारिश शुरू हो गई। लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से बेहतरीन छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले का पहला छक्का लगाया। इसके बाद 13वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार ड्राइव के जरिए चौका देखने को मिला और ये भी कमाल का शॉट था, जहां पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे शुभमन गिल 15वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। इनके भी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टंप पर जा लगी और हारिस रॉप ने भारतीय टीम को चौथा झटका दिया और शुभमन गिल इस मुकाबले में 32 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। हालांकि ये यहाँ पर मिसफील्ड जरूर हुई थी नसीम शाह से, लेकिन चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या को मिला। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने कमाल का शॉट खेलते हुए एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर में उनकी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जब इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार मिडॉन के ऊपर से शानदार चौका लगाया और इस ओवर में 2 चौके जड़े। इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक और फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। अब पूरी तरह से अपने रंग में आ चुके थे ईशान किशन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी एक स्वीप शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया।
तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर इस बार उन्होंने गेंद को लेट कट किया और शानदार तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को चार रनों के लिए भेजकर टीम इंडिया के लिए एक और चौका लगाया। और इस चौके के साथ ही अब हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 52 गेंदों पर ही पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हार्दिक ने शानदार शॉट खेलते हुए 25वें ओवर की चौथी गेंद पर साइन अफरीदी की गेंद को मिडऑन की तरफ चार रन के लिए भेज दिया और मिडविकेट पर चौका जड़ दिया। इसके बाद 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला, यहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चार रनों के लिए भेजा नवाज की गेंद को। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया ईशान किशन ने। ईशान किशन 54 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं पर अर्धशतक के बाद 29वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने शानदार तरीके से शादाब खान की गेंद को चार रनों के लिए फेंक दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और 84 मीटर लंबा एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इस छक्के के बाद 34वें ओवर की पहली गेंद पर आगा सलमान की गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया और शॉर्ट फाइन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पर इसके बाद 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। हार्दिक की भी कमाल की बल्लेबाजी रही और उन्होंने टीम के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से डीप मिडविकेट की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को चार रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया डीप मिडविकेट की तरफ। यह भी एक कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रॉप ने इस 138 रनों की विशाल साझेदारी को समाप्त किया और पेवेलियन भेजा ईशान किशन को, जो कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक शॉर्ट बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे और हारिस रॉप ने एक और सफलता दिलाई। यहां पर 81 गेंदों पर 82 रन बनाकर ईशान किशन पेवेलियन लौटे। इसके बाद 40वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली हार्दिक पांड्या के बल्ले से, जब उन्होंने 40वें ओवर की पहली दूसरी दो लगातार दो गेंदों पर बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में तीन बेहतरीन चौके लगाकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की पहली गेंद पर साइन अफरीदी ने हार्दिक पांड्या को आउट करके पाकिस्तान की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। 90 गेंदों पर 87 रनों की पारी खेलकर हार्दिक पांड्या पेवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या आउट हुए तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर साइन अफरीदी ने रविंद्र जडेजा को भी पेवेलियन भेज दिया और टीम इंडिया को एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट देकर एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। साइन अफरीदी ने रविंद्र जडेजा को रिजवान के हाथों पेवेलियन भेजाया और 22 गेंदों पर 14 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शार्दुल ठाकुर भी 45वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके थे, यानी कि भारतीय टीम ने 7 गेंदों पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर इस मुकाबले में पूरी तरह से एक बार फिर वापसी की थी, जो एक बार फिर बैकफुट पर चली गई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया और उन्होंने 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका साइन अफरीदी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद कुलदीप यादव के रूप में टीम इंडिया ने 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और विकेट गंवाया। उनका कैच रिजवान ने पकड़ा और नसीम शाह ने उन्हें पेवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9 झटका लगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ स्ट्रेट शॉट खेलते हुए लगाया जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन आगा सलमान को अपना कैच थमा बैठे और नसीम शाह ने उनका विकेट लिया और पूरी टीम इंडिया इस मुकाबले में 266 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने 267 रनों का लक्ष्य रखा पाकिस्तान की टीम के सामने।